छतरपुर में जिला पंचायत के सामने शासकीय कर्मचारी मध्य प्रदेश लिपिक वर्ग के बैनर तले अपनी मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अड़ गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वेतन विसंगति दूर की जाने के लिए शीघ्र आदेश प्रसारित किया जावे, लेकिन जब तक आदेश जारी नहीं किया जाएगा तब तक सभी कर्मचारी ऐसे ही काम बंद करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, लिपिक कर्मचारी साहब जिंदाबाद, आवाज दो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। ये मध्य प्रदेश लिपिक वर्ग के प्रांतीय आह्वान पर दिनांक 1/4/81 से जो हमारी वेतन विसंगति चली आ रही है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हाई पावर कमेटी का गठन माननीय श्री रमेश चंद शर्मा जी की अध्यक्षता में गठित किया गया, जिन्होंने हमारी वेतन विसंगति को माना और 23 अनुशंसाएं की। उन्हीं 23 अनुशंसाओं को लागू कराने के लिए प्रांतीय आह्वान पर दिनांक 23 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल चली आ रही है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि हमारी मांग को शीघ्र पूरा करें। उधर शासकीय कर्मचारियों के प्रदर्शन की जानकारी जैसे ही भाजपा जिलाध्यक्ष को लगी तो मौके पर पहुंचे भाजपा जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने सभी कर्मचारियों को आश्वासन देते हुए कहा कि आगामी दिनों में सीएम छतरपुर आने वाले हैं तो उनके समक्ष आप लोगों की बात जरूर रखी जाएगी और काम पूरा कराने का प्रयास भी किया जाएगा। आज यहाँ पर लिपिक संघ के अपना हमारे भाई लोग सब यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर यहाँ स्ट्राइक पे हैं और इन्होंने हमसे अपेक्षा करी है कि हम इनकी मांगों का जो ज्ञापन है वो माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं, और सत्ताधारी दल के नाते हम निश्चित रूप से अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए जो भी इनकी समस्याएं हैं, जो भी इनकी मांगे हैं, उन मांगों का प्रपत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपेंगे और ये कोशिश भी करेंगे कि इनकी मांगे जो हैं वो पूरी हों और हम अपनी भूमिका का निर्वहन। छतरपुर से हिमांशु अग्रवाल, सागर टीवी न्यूज़।